एक काम करो क्षितिज, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके हमें समझा दो क्या कहना चाहता है। कर रहे हो रीड? हाँ जी सर, एक मिनट फिगर बना दो, एक मिनट। Body of mass m was slowly pulled up by the hill by a force f which at each point was directed along the tangent of the trajectory. All surfaces are smooth. Find the work performed by the force. This force. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। मैं वही सोच रहा था। हाँ। पर करना क्या है? आप बताओ। Work done, find out करिए। ना इधर। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। ये टेंजेंट तो ये देखो, एक टेंजेंट तो ये ऐसे बन गई। अब जब बॉडी यहाँ आएगी तो निकल जानी है बॉडी इधर। हाँ। भी टेंजेंट ऐसे जाएगी इधर से ऐसे। इसका कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक जाता है और कुछ नहीं है। अलोंग द टेंजेंट लिखा। अब देखो इसका सिंपल मतलब आप ये निकालो, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जाएगा 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 इस डायरेक्शन में, फाइनली यहाँ तक पहुंच गया। फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है ना? हाँ फाइनल डायरेक्शन तो ये होगी। किस चीज का डायरेक्शन? फोर्स का फाइनल डायरेक्शन ये बनेगी। फाइनल डायरेक्शन चलो ठीक है आगे। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ फाइंड वर्क डन। अभी सर इसमें करना क्या है? एक तो ये देखो दो ऑप्शन एल दिया हुआ है। एल क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है और जीरो तो मेरे ख्याल हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर को जा रहा डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। आगे बोलो। बस सर मैंने तो ऐसे ऑप्शन खत्म कर दिए, ये तो नगर दे दो। अब देखो आपको दो चीज बताया गया था, एक कंजर्वेटिव फोर्स दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी सर। क्या होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सर नॉन कंजर्वेटिव वो है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। सिर्फ आपको ये समझना है क्षितिज कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, और नॉन कंजर्वेटिव में वो आ जाता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। ये चीज क्लियर हुआ? अब देखो फिगर आपके पास कोई भी आ जाए, अगर आप किसी भी तरह एक्चुअल हाइट निकाल लेते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हो तो वर्क डन उसी के बराबर होगा। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो एक इसका एमडी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और यहां से यहां तक का, इस लेवल से इस लेवल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? कितना है? एच। एच है तो एम जी को एच के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका वर्क डन आ गया। क्यों? आगे पूछो क्वेश्चन क्या है, क्यों का फिर मैं आंसर बताता हूं। इस फोर्स का जो भी कंपोनेंट इधर वाला होगा उस पे ये एंगल 90 डिग्री बना के उसका वर्क डन जीरो कर देगा। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा? होगा होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका जो कंपोनेंट नीचे की तरफ आप कह लीजिए जो फोर्स mg फोर्स लग रहा है वही फोर्स के कारण सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्क डन होगा। फिर से बोलो। इसका ऊपर का कंपोनेंट नहीं होगा कोई? इसका ऊपर का कंपोनेंट होगा लेकिन उसको उसको बैलेंस कौन करेगा? नीचे वाला mg फोर्स ही बैलेंस करेगा ना। हां ये भी है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का आप कहां कहां यूज करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। कहीं पे भी जैसे सीढ़ी वगैरह क्या कहते हो, पौड़ी कहते हो, कोई सीढ़ी कहते हो, पंजाबी में क्या कहते हो? सीढ़ी। सीढ़ी नहीं यार, पौड़ी कहते हैं पंजाबी में। आप हमें गलत सिखा रहे हो पंजाबी। पौड़ी कहते हैं। चलो कहीं पे भी अगर ये पौड़ी सीढ़ी वाला केस आएगा तो वहां पे संभल के आंसर देना। जैसे मैं एक फिगर बना के दिखाता हूं आपको। जी ये सीढ़ी है ना,
भले ही ये एक्चुअल सीढ़ी ना बने लेकिन कंसीडर करनी है आपको कि ये सीढ़ी है। इसमें क्वेश्चन क्या बना के देगा वो आपको ये समझ लीजिए, इस तरह का एक बना देगा, बोलेगा कि ये दो मीटर है, ये दो मीटर है, ये दो मीटर, ये दो मीटर, ये दो, ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, 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 दो। जितना भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा उसके वर्क, उसके थ्रू वर्क डन जीरो लेना है। सर दो मीटर? हाँ जी, हाँ जी, दो मीटर। अरे दो यूनिट मान लो भाई साहब, आप दो यूनिट मान लो। दो मीटर तो ज्यादा हो गया, कह रहे नहीं बोलना इतना। चलो दो यूनिट ले लो। तो ये जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण जो वर्क डन होगा इस सीढ़ी पे चढ़ने में वो जीरो होगा, क्योंकि एम जी फोर्स के साथ ये एंगल 90 डिग्री का बना लेगा। उसके बाद जो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब दो दो चार छ आठ दस बारह मीटर, बारह यूनिट के कारण जो वर्क डन होगा सिर्फ और सिर्फ वही होगा। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एम जी फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशनल सॉरी आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, एंगल 180 डिग्री बनेगा। एंगल 180 डिग्री बनने का मतलब हुआ वर्क डन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। इतना चीज क्लियर है? जी सर।